बहुत डर लगता है, अजीब सा लगता है, रास्ते में पता नहीं कैसे क्या हो ना हो। कहते हैं ये कामवाली का लीप नहीं है, ये सर्विस लीप से जाएगा कामवाली भी। जब मैं काम पे आई तो मुझे सुनाया दे तुम पॉट क्यों नहीं दिया था, मैंने बोला मैं पॉट नहीं दूंगी, हम इस ये हमारा काम नहीं है। हमारा सामने आंखों का सामने कुत्ते को वो मुर्गा का लैक किस ला के देते हैं, लेकिन हमारा एक दुश्मनी तक नहीं है। उसके पास पैसा है उसका दाम है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई भी नहीं। As a working journalist, my schedule is unpredictable and busy. I am privileged that I can afford to hire someone to make my home feel like home. Meet Milan Didi. We call her our superhero. She is about my age, around late 20s. She ran away from an abusive marriage and came to Noida from a small village in West Bengal. छोटा से हम लोग अच्छे खासे से पाला बड़ा हैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम लोग दूसरे में घर के जाके काम करेंगे या कुछ करेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। दीदी कम्स इन टू आवर सोसाइटी एट 6 AM एवरी मॉर्निंग एंड वर्क्स इन 4 houses। इन माय हाउस शी कुक्स लंच एंड डिनर फॉर 2 people। शी आल्सो वॉशेस डिशेस, क्लीन्स आवर रूम्स एंड समटाइम्स आल्सो मेक्स फैंसी मील्स एंड स्नैक्स व्हेनेवर वी होस्ट पार्टीज। दीदी लोग इधर उधर घूमने भी जाती है, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनता है, मतलब पार्टी शार्टी करता है, वो हमें भी लगता है अगर हम लोग भी ऐसे कर सकते, बड़े बड़े शादी में जा सकते थे, ऐसे ड्रेस हम लोग भी पहन सकते थे तो हमें भी अच्छा लगता था, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। हमारा बिरादर में जो है वो सब नहीं करने देते हैं, उन लोग को खराब लगता है, अपने आप शर्मंदी आ जाता है। दीदी लोग इंग्लिश से बोल सकते हैं, हम वो भी तो इंसान है, हम भी एक इंसान, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। Milan Didi is part of the unorganized workforce of domestic helpers in urban India. Data suggests that a maximum of the total domestic workers in India are women who have successfully managed to step out of their homes to earn money, to be economically independent. And yet, they are one of the most vulnerable groups of people living amid and around us, without any law protecting them from abuse, exploitation and discrimination. মাঝে মাঝে আমাদেরকে লিফটে উঠতে দেয় না, এই কারণে যে লিফট পুরো ফুল হয়ে যায়, তো কখনো মানে যে মেড আছে তো ওরাও মানে তার মধ্যে চলে যায়, তো তার জন্য ম্যাডাম গুলো হয়তো রেগে যায়, তো তার জন্য অবজেকশন দিয়ে যায় ইসে অফিসে। কিন্তু আমার আমার একটাই প্রশ্ন যে আমরা যে বাড়িতে রান্না করতে যাই তো আমাদেরই তো রান্না হাতে ছোঁয়া খাই, কি আমরাই কাজ করি সবকিছু, তো তাহলে আমাদেরকে উঠতে দেয় না কেন? We met a few of Milan Didi's friends while they were taking a break after their day's work. টাইম ছেড়ে 5 মিনিট পরে গেলে পরে ওদের কথা শুনতে হবে। কাদের কথা? আমার চোখের জল বের হয়ে যায়। जब मैं फर्स्ट टाइम आए थे तो तब मुझे भी बोला था, ये बोला गया था जो झाड़ू पोछा के साथ बाथरूम भी करना चाहिए, तो मैंने एक दिन नीचे का जो टाइल्स है वो मैंने पानी से धो दिया, तो दूसरा दिन फिर मुझे जब मैं काम पे आई तो मुझे सुनाया दे तुम पॉट क्यों नहीं दिया था, मैंने बोला मैं पॉट नहीं दूंगी, हम इस ये हमारा काम नहीं है। फिर मेरा एक दिन का जो काम हुआ तो उसका भी पैसा मुझे दिया नहीं। जब काम करती हूँ तो अगर एक से दो छुट्टी करती हूँ तो बीमार में अगर 3 छुट्टी हो जाता है तो पैसा ही नहीं देता, छुट्टी का पैसा भी काट देते, लेकिन हमारा जो बीमारी है हम तो ऐसे छुट्टी नहीं करते, कोई मजबूरी में छुट्टी करते, फिर भी उसी में से पैसा भी काट लेते। 2000 रुपये हमारा तनख्वाह देते हैं, उसी में से अगर 500 काट ले हमारा क्या बचता, और जितना हम फालतू काम कर देते हैं, कभी ये नहीं बोलता तुम आज फालतू काम करके गई है तो तुम 10 रुपये लो, कभी नहीं बोलते। हाँ, तो वो टाइप जब मालिश कराता है तो एक घंटे में 200-250 रुपये लेता है, फ्री में मालिश करा के लेता है, तो हम छोड़ देते हैं। अगर एक दिन हम छुट्टी करती हूँ तो 200 रुपये काट लेते हैं। इस काम में इज्जत है? ये इस काम में कोई इज्जत नहीं। কুত্তে কো
वो मुर्गा का लैक पीस ला के देते हैं, लेकिन हमारा एक दुश्मनी तक नहीं मिलता, ऐसे बहुत है। लेकिन सबका ही दोष है, सब एक जैसे नहीं है। जिसके पास पैसा है उसका दाम है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई दाम नहीं। Not just class and caste bias, discrimination on religious lines is also rampant in elite homes. अगर बात करने जाओ ना तो कह देते हैं हमको हिंदू चाहिए मुस्लिम नहीं चाहिए। क्या कहते हो फिर आप उनको? ऐसे कोई बात नहीं जी, हम मुस्लिम हुआ हम किसी का ये काम करने से थोड़ी ना जात बदल देंगे। यही कहती हूँ, बस ये बोल के आ जाती हूँ। और क्या कहेंगे? कितना इम्पोर्टेंट होता है इनका काम हमारे लिए, हमारी जिंदगी? मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई एम वर्किंग वूमन, तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बिना तो एक दिन भी नहीं गुजारा होता, मुझे लगता है कि माय गॉड कैसे मैनेज करूं। जितना ज़रूरत उन्हें हमारा है, हमें भी उतना ही ज़रूरत उनके लिए भी है। एज एम्प्लॉयर हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि दे आर ह्यूमंस एंड दे हैव देयर लाइफ जस्ट लाइक अस, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक देयर एंड्स मीट। सो हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ के थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें प्रॉपर लीव्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जब हमें अपने लिए ऑफिस से लीव चाहिए होती है और हमें बहुत बुरा लगता है जब हमें डिनाई होता है, तो सिमिलरली हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ डेवलप करनी चाहिए और थोड़ा सा जानना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए। मिलन दीदी इज अ मदर ऑफ फोर एंड आफ्टर फिनिशिंग हर डेज वर्क ऑफ क्लीनिंग, कुकिंग, डस्टिंग इन अदर पीपल्स होम्स, शी गोज बैक टू हर होम टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग्स अगेन। On one of the days, I accompanied her after her first shift of work got done. घर का कौन सा काम आपको संभालना होता है? मुझे पूरा घर का ही काम संभालना होता है। रेशन मतलब घर का जो जितना भी काम होता है, एक मतलब जो एक लड़का का भी वो चाहिए मार्केटिंग करने का ये सब, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता है तो मुझे ही खुद से करना पड़ता है। तो मतलब थकान नहीं होती रेस्ट? हाँ होती है कभी कभी थकान, तो वो फिर मैं जैसे अगर मेरे शरीर कभी कभी ये थकान सा बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ उस टाइम, फिर मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे दवाई खाना पड़ता है। মিছি দেখো তো এদিকে আমার দিকে দেখো এইভাবে ওয়া তোমার মতো দেখতে একদম। আমি এই যে বোতলে দুধ দিব, বোতলে তো না এই যে দেখতে এই বেবিতে কি বোতলে দুধ সাথে দেখো তো। मैं एक ही सपना है ताकि मैं जो काम करूं ये मेरा बच्चे कभी ना काम करे, वो भी पढ़ लिख के आगे मेहनत करके उन लोग भी बड़ा आदमी बने, एक यही मेरा सपना है।